इन संगठनों का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि अपनी बरादरी के अंदर एक आत्मसम्मान पैदा करना, एक विश्वास पैदा करना कि हम कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं। अखिल भारतीय कोली समाज इकाई जिला कांगड़ा की जिला स्तरीय बैठक दुर्गा माता मंदिर घरलूम में जिला अध्यक्ष पंजाब सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नवगठित कमेटी के ज़्यादातर सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में जिला कांगड़ा के स्वजातीय वर्ग के विकास व उत्थान के बारे में चर्चा मुख्य विषय रहा। संस्था के प्रचार व प्रसार के लिए पालमपुर, बैजनाथ, जयसिंहपुर क्षेत्र को 5 जोन्स में विभाजित करके नए मंडल प्रभारी बनाए गए, जिसमें पालमपुर के लिए महेंद्र सिंह व रंजीत सिंह, कोसरी के लिए कश्मीर सिंह व शुभकरण, पंचरुखी के लिए कालिदास, भीम सिंह, राजकुमार, सुरेश कुमार व पी के प्रेमी, बैजनाथ के लिए परमानंद व भूपिंदर सिंह तथा चढ़ियार के लिए बीरबल डोगरा, सुशील कुमार व विनोद कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई। सभी क्षेत्रों के प्रभारियों द्वारा अपने क्षेत्र में 28 फरवरी से पहले बैठक करके क्षेत्रीय कार्यकारिणी गठित करने का निर्णय लिया गया, ताकि मार्च माह में राज्य कार्यकारिणी की आम सभा करवाई जा सके। पेश है टीम पीआर न्यूज़ की रिपोर्ट। जिला कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई जो नवगठित अपने जिला कार्यकारिणी है, उसमें अपने कुली समाज की विभिन्न समस्याओं के बारे में डिस्कशन करी गई। गांव स्तर पर जाके समाज को संगठित करेंगे और जो भी समस्या होंगी वो जिला कार्यकारिणी के समक्ष रखेंगे और उन समस्याओं का निदान करने की पूरी पूरी कोशिश करी जाएगी और समाज को संगठित करने की इसमें भरपूर कोशिश करी जाएगी। धन्यवाद। आज कार्यकारिणी में संगठन को ग्रास रूट पर ले जाने के लिए फैसले हुए और सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ कि जहाँ पर भी हमारी बिरादरी के लोग हैं उनको इस अखिल भारतीय कोली समाज के साथ जोड़ा जाए, उनको सदस्य बनाया जाए, ग्राम स्तर पर कार्यकारिणियाँ गठित की जाए और उसके पश्चात जो है वो क्षेत्र पर जोनल कार्यकारिणी के चुनाव होंगे और उसी क्रम में चलते हुए फिर जो है मार्च में जो है एक बड़ा कार्यक्रम जिला स्तरीय सम्मेलन जो है वो अखिल भारतीय कोली समाज का किया जाएगा। आज ये ही फैसले जो है वो इस कार्यकारिणी की बैठक में हुए। आज कोली समाज कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति ये निर्णय ले गए कि जितने भी जो भी गरीब बच्चे हैं उनके उत्थान के लिए कोली बरादरी काम करेगी, जो गरीब परिवार के लोग उनकी शादी के लिए भी बिरादरी काम करेगी और बिरादरी को सबसे बड़ा काम होगा कि नशा मुक्त करना। आज अखिल भारतीय कोली समाज जिला कांगड़ा इकाई की नवगठित कार्यकारिणी की बैठक घलूम मंदिर में की गई, जिसमें सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। सबसे ज्वलंत मुद्दा ये रहा कि ग्राम स्तर पर जिलों पर कैसे संगठन को करवाया जाए और उसके बाद दूसरा ये भी निर्णय लिया गया कि एक स्टेट कार्यकारिणी के जो है एक फेडरल हाउस जिला कांगड़ा में करवाया जाए, उसके बारे में विचार किया जाए। उस साथ में ये निर्णय लिया गया कि बच्चों को शिक्षा में ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ बढ़ रही है और नशे से हटाकर उसको शिक्षा की तरफ लगाया जाए। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है, लायक है और उसके पास पैसे की कमी है तो हमारा जो कोली समाज है वो मिलजुल कर उसकी सहायता करेगा और अच्छी शिक्षा तक उसको पढ़ाने की कोशिश करेगा और इसके साथ ही गरीब बच्चियां या कोई अपंग या कोई एक्सीडेंट में ऐसे दुर्घटना होती है तो उसमें भी समाज हित में हमारा कोली समाज की हर एक व्यक्ति की सहायता करने के लिए तैयार रहेगा। तो इसी के साथ कार्यकारिणी में जो निर्णय लिए गए हैं उसको लागू करने के लिए इस बार जो है 4 जोन बनाए गए हैं। 4 जोनों में जो उनके प्रधान बनाए गए हैं या अध्यक्ष बनाए गए हैं तो वो अपनी कार्यकारिणी ग्राम स्तर तक बनाएंगे और जोनों की मीटिंगें जो हैं वो फरवरी तक कर ली जाएंगी, ऐसा निर्णय लिया गया है। और उसके बाद जो है फिर कार्यकारिणी के प्रतिनिधि भी उन मीटिंगों में आया करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है।
समाज की बैठक जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं श्री पंजाब सिंह की अध्यक्षता में गलू मंदिर में संपन्न हुई। इसमें बहुत ऐतिहासिक निर्णय कोली उत्थान के लिए, कोली समाज उत्थान के लिए लिए गए। सभी बुद्धिजीवी जो यहाँ पर मौजूद थे, जिला कार्यकारिणी के सदस्य, उन्होंने सभी ने अपने अपने विचार रखे कि हमारे कोली समाज के उत्थान के लिए क्या क्या भविष्य में क्या क्या किया जाए, जिसके लिए नशे के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, गरीबी से ऊपर उठने के लिए ये सारे सुझाव अपने अपने सभी सदस्यों ने रखे। और जो कार्यकारिणी, नवगठित कार्यकारिणी ने एक संकल्प लिया कि हम आज से ही कोली के उत्थान के लिए जो हमें पद दिया गया है उसका दुरुपयोग करेंगे और हम कोली समाज के हितों की रक्षा करेंगे।